हेलो डियर्स, मैं हूं निजाम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RCTI क्या है। अगर आप एक यूट्यूबर हैं या आप एक टीचर हैं, अगर आप ऑनलाइन टीचिंग करते हैं या ऑनलाइन पढ़ाते हैं, और अगर आपकी जो वीडियो क्लिप चल रही है कंप्यूटर पे या मोबाइल स्क्रीन पे, अगर आप उसको स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, स्पेशल कंप्यूटर के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर कंप्यूटर की स्क्रीन आपको साथ में रिकॉर्ड करके उसकी वीडियो को शेयर करना है किसी के पास, या फिर रिकॉर्ड करके आप एक यूट्यूबर हैं अपने वीडियो में एडिट करना चाहते हैं, या स्क्रीन के माध्यम से आप कोई चीज़ किसी को सिखाना चाहते हैं या फिर पढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर आपके लिए कौन सा है। आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर को देखा होगा जिसमें बहुत सारे चार्ज वगैरह करते हैं और लिमिटेड टाइमिंग होती है उसमें वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। अगर आप चाहते हैं लाइफ टाइम एक्सेस, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें आज मैं बताने वाला हूँ कि एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बाकायदा इंस्टॉलेशन करके रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं और इससे सबसे बेहतर तरीके से रिकॉर्ड भी होगी, और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ब्राउजर पे आपको सर्च करना होगा यहाँ पे IO bit स्क्रीन रिकॉर्डर। जैसे ही आप IO bit स्क्रीन रिकॉर्डर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए सेकंड वाला जो लिंक है, वो सेकंड वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। IO bit स्क्रीन रिकॉर्डर 1.0.1.75 फुल वर्जन फ्री डाउनलोड, इस वाले लिंक पे आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद में ये एक बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर है, यहाँ से आप बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर, यानी इसमें कोई चार्ज वगैरह पे नहीं करना है, और आपकी जो लाइफ टाइम एक्सेस है लाइफ टाइम एक्सेस रहेगी, और उसके बाद में आप इसमें कितना भी लंबा ड्यूरेशन की वीडियोज को रिकॉर्ड कर सकते। देखिए उसके बाद में क्या करना है कि डाउनलोड 32 bit प्लस 64 bit, यानी एक अच्छी बात ये भी है कि आप इसमें 64 bit या फिर 32 bit आपके कंप्यूटर में कोई भी विंडो पड़ा हुआ है तो दोनों में एक ही सॉफ्टवेयर से काम चल जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली इसको क्लिक करना है डाउनलोड पे, और ये सॉफ्टवेयर आपका हो जाएगा डाउनलोड। यहाँ पे देखिए वेट हो रहा है, यहाँ पे कॉर्नर पे ये डाउनलोडिंग अभी चालू होने वाली है। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बता रहा है स्टार्ट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है इसको डाउनलोड करके रखा है, तो आपको क्या करना है डाउनलोड करने के बाद में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। अब चलिए मैं उस सॉफ्टवेयर को आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है, कैसे इसमें रिकॉर्डिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये आपका टास्क बार में एक आइकन आ जाएगा, या फिर आप इसको जाके टास्क बार में, यानी इसको जाके टास्क बार से ओपन कर सकते हैं, या फिर सर्च में जाके सर्च कर लेंगे IO bit। यहाँ पर देखिए इस रिकॉर्डर को हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले पूछ रहा है कि आपको किस तरीके की रिकॉर्डिंग करनी है, तो हमने यहाँ पर फुल स्क्रीन कर देंगे या फिर सेलेक्ट विंडो, आप अपने हिसाब से यहाँ पर साइज वगैरह सेट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर कंप्यूटर, अगर आपको कंप्यूटर की रिकॉर्ड करनी है वीडियो में, तो आप फुल स्क्रीन ही सेलेक्ट करें। आप चाहते हैं कि इसमें स्पीकर अनेबल कर दें तो आपको यहाँ से इसको ऑन करना है, या फिर आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। अगर आप इंटरनल माइक को कनेक्ट करके रिकॉर्ड करना चाहते हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे इसको इंटरनल रिकॉर्डिंग को ऑन करेंगे तो आपका इंटरनल माइक भी कनेक्ट हो जाएगा, यानी जो एक्सटर्नल माइक आप लगाते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल दोनों को कनेक्टिविटी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये एक्सटर्नल माइक को कनेक्ट करने के लिए ही ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पे बता रहा है माउस ऑन, अगर माउस ऑन पर क्लिक करेंगे, जब भी आपको क्लिक करेंगे तो एक एक क्लिक भी आपका रिकॉर्ड होगा। अगर आप चाहते हैं कि हर क्लिक की आवाज़ भी रिकॉर्ड हो और क्लिक करें तो ब्लिंक करें, तो यहाँ पे आप इसको ऑन करेंगे। साथ में अगर वेब कैमरा वाला ऑप्शन आप चूज करते हैं तो वेब कैमरा वाला ऑप्शन भी यहाँ पे ऑप्शन दिया है, वेब कैमरा पर क्लिक करके आप वेब कैमरा को भी यूज़ कर सकते हैं रिकॉर्डिंग। इसके अलावा मैं कुछ और सेटिंग बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए 3 dot वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग ऑप्शन में। यहाँ पर देखिए आपका सबसे पहले यहाँ सेव टू लोकेशन शो कर रहा है, जहाँ पर बता रहा है कि आपका ये जो वीडियो है वो यूज़र फोल्डर के अंदर RCTI ज्ञान और डॉक्यूमेंट के अंदर एक फाइल बनेगी जिसका नाम है आईफन स्क्रीन रिकॉर्डर। इस फोल्डर के अंदर ही बाई डिफ़ॉल्ट जाके सेव होगी, आप यहाँ से लोकेशन चेंज भी कर सकते हैं।
और यहाँ पे कुछ चीज़ें इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह का ऑप्शन दिया है, तो आप इसको जैसे बाय डिफॉल्ट दिया है उसको आप वैसे रहने दें इसमें भी, लेकिन थोड़ा बहुत आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन दे रहा है ऐड हाईलाइटेड इफेक्ट, अगर आप क्लिक करें माउस से तो हाईलाइट हो इफेक्ट हो, क्लिक एनिमेशन पे जब भी आप क्लिक करें तो एनिमेट करे वो, यानी कुछ ऑप्शन शो करे। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटो हाइड रहे डेस्कटॉप पे आइकन करना है, या फिर शो फ्लोटिंग टूल बार की तरीके से शो करें, तो इस तरीके से ये सारे सेटिंग्स यहाँ से आपको कर लेना है। वेब कैमरे की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं और फॉर्मेट की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं, जहाँ पे आप वीडियो की क्वालिटी MP4 में करना है, ओरिजिनल देखिए MP4 रिकॉर्ड हो रहा है, आप यहाँ पे कई सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं तो ज़्यादातर MP4 में ही आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप ओरिजिनल यहाँ पे साइज़ दिया है 4K HD, किस तरीके से वीडियो बनाना चाहते हैं, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको सबसे लास्ट वाला चूज़ करना चाहिए, या फिर सेकेंड वाला 1280x720 HD क्वालिटी की वीडियो रिकॉर्ड करेगा। फ्रेम रेट यहाँ पे 60 रहने दें, आप इसको 30 उससे कम भी कर सकते हैं फ्रेम रेट को। क्वालिटी में आप यहाँ पे हाई लगाएंगे तो जिस तरीके से आप क्वालिटी लगाएंगे यहाँ पे हाई स्टैंडर्ड या जो भी सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ से चूज करें। नेक्स्ट है आपका, तो इतना सेटिंग करने के बाद में आपको करना है सेव, सिंपली सेव कर लेंगे इसको। उसके बाद में आपको रिकॉर्डिंग जैसे ही स्टार्ट करना होगा तो आपको क्या करना है, ये रिकॉर्ड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। F4 बटन से आप रिकॉर्डिंग को स्टॉप भी कर सकते हैं, तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे 1, 2, 3 का स्टेप आएगा, आप इसको 1, 2, 3 करके इससे 1 आएगा, 3 से स्टार्ट होगा 3, 2, 1 1 पे इसे क्लिक करेंगे आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। आप पूरे वीडियो को रिकॉर्ड करिए और F4 बटन दबा के स्टॉप कर दीजिए, और आपने जो लोकेशन सेट किया था कि ये फाइल सेव होके कहाँ पर जाएगी वो फाइल में जाके उस वीडियो को ओपन कर सकते। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर ये सॉफ्टवेयर वाकई में बहुत काम का है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस तरीके की और भी वीडियो आपके तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू, फिर मिलेंगे अभी।